आंखों के लिए यह बहुत ही अच्छी औषधि है, पर इसके आंखों में डालने के लिए आप इसके रस को आंख में नहीं डाल सकते हैं, इसके दूध को आंख में नहीं डाल सकते हैं। यदि सीधा ही दूध आंख में चला जाए तो आंख खोने की संभावना है, आंख से आप कहीं अंधे ना हो जाएं इसकी संभावना है। तो आंख की रोशनी के लिए आप ध्यान से सुने, इसके आप दूध को निकाल लें, चीरा लगा देने से काफ़ी दूध इकट्ठा हो जाता है। उस दूध में रुई को भिगो दें, उस रुई को भिगो करके उसको सुखा दें और उसके सरसों के तेल में उस रुई को डाल करके बाती बना करके उस बाती को जला करके एक बर्तन ऊपर रख दें नज़दीक में, और जो काजल इकट्ठा हो जाए उस काजल को एकत्रित करके आप उस काजल का अंजन आँख के लिए करें। यह एक बहुत ही दिव्य काजल आँखों के लिए, आँख की रोशनी को ठीक रखने के लिए, आँख की खराबी को दूर करने के लिए यह तैयार हो जाता है। तो आँख की रोशनी के लिए यह थूहर के दूध से बत्ती बना करके उस बत्ती को सरसों के तेल में जला करके आप काजल बना करके काजल का प्रयोग करिए।